तो जिस तरह हमने नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा उसी तरह हम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लिखे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक है, इस बार मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट रखूंगा यहां N, यहां पर O, यहां कौन सा डबल बॉन्ड O और इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट। देखिए यहां पर ऐसे रखा था, H रखा था ना, जब ये H यहां से चला जाएगा नाइट्रिक एसिड में, ऐसे H रखा था, जब यहां से H चला जाएगा तो H प्लस बन के जाएगा, और यदि H प्लस बनेगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए, तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, हम यहां पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना आता है ना, जिसमें एक लाइन होती है वहां दो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन दो ये हो गए, बाकी आठ तक पहुंचने के लिए जितने घट रहे उतने टोटल रख दिए। डायरेक्ट भी आप ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बाकी इसके पहले मैं नाइट्रिक एसिड का बना चुका हूं। इसमें कितने हैं, दो लाइन है, एक लाइन में दो, दो लाइन में चार इलेक्ट्रॉन, चार और घट रहे हैं, चार और रख दीजिए। इसके इधर एक लाइन है तो दो ये हो गए, छह और घट रहे हैं आठ तक पहुंचने के लिए, दो दो चार दो छह, ऐसा रख दिया। बाकी हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी कहता है कि मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना, तो देखो यहां पर क्या करते हैं, मैंने यहां डबल बॉन्ड रख दिया ओ, जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वहां क्या बना दिया जाता है, सिंगल बॉन्ड, और यहां प्लस, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां माइनस, हेड की तरफ माइनस, टेल की तरफ प्लस। अब पता है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो दो चार दो छह, दो ये है टोटल आठ हो गए, इसमें दो दो चार, यहां पर आप देखेंगे ओ में माइनस है, दो दो चार दो छह और दो आठ, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया। अब नाइट्रेट का हमें रेजोनेंस बताना है, रेजोनेंस बनाते जाना बेटा, रेजोनेंस इसका बताना है, नोट कर लिया। अब इसका रेजोनेंस देखिए, तो रेजोनेंस के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं, आप बनाते जाइए एन, यहां कौन सा बनाते जाना, डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड प्लस और इसमें माइनस, यहां सिंगल बॉन्ड इसमें माइनस, इलेक्ट्रॉन अरेंज करिए कितने रखेंगे इसमें बताइए, टू टू फोर टू सिक्स और टू ये हो गए एट हो गए, इसमें इसी तरह दो दो चार, चार इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, एक लाइन में दो इलेक्ट्रॉन, दो लाइन है चार इलेक्ट्रॉन, कितने और होने चाहिए इसमें बताइए, हो गए। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पर जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को इसी तरह मान लो हम अरेंज रखते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह रहेंगे, जितने इसमें उतने इसमें रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी। तो चलिए यहां रखते हैं फिर से एन, यहां कौन सा, जहां डबल है वहां क्या बना दे, सिंगल, अब जहां सिंगल है उसकी जगह डबल बना दे। अब आप ये देखिए यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, जहां माइनस है वहां कितने इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन, यहां कितने। अब बताइए एक और स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, यहां डबल बॉन्ड हो गए, यहां डबल बॉन्ड हो, अब एक बार यहां भी किया जा सकता है, हाँ जरूरी है सारे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यदि नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब आप उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे, किसी कंपाउंड के जितने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है, तो रेजोनेंस एक स्टेबिलिटी को बता रहे हैं ना। तो यहां पर देखो ये रख दिया ओ, इस डबल बॉन्ड को हम कहां बनाने जा रहे हैं इस बार, यहां, अब ये हो जाएगा इसमें माइनस, इसमें बताइए इसमें कितने होंगे, हो गया। अब रेजोनेंस ऐसा पता चल रहा है कि सारे एनो बॉन्ड क्या डिफरेंट है कि सेम है, सभी एनो बॉन्ड की लंबाई एनो थ्री में क्या है, सेम है,
क्यों? क्योंकि इसमें देखो जहां डबल है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसकी तो लंबाई डबल बांध वाली होनी चाहिए, थोड़ी देर में क्या हो गया, फिर थोड़ी देर में सिंगल हो गया, ठीक है। इसी तरह जहां सिंगल होता वहां डबल बांड, जहां डबल बांड है वहां सिंगल बांड, मतलब वो घटना सारे एनओ बांड में रिपीट हो रही है। इसलिए जो समानता है सबके साथ है, इसलिए ये कहा जाएगा कि एनओ थ्री माइनस के जितने एनओ टाइप के बांड हैं वो सभी एनओ बांड क्या है, सेम है। लिखो एन में प्लस है, हाँ एन में प्लस है बेटा, ठीक है, एन में प्लस। एनओ थ्री माइनस में सभी एनओ बांड किसके कारण, आपको बताना रेजोनेंस के कारण, हर जगह यही चीज लिखना, रेजोनेंस के कारण, जहां भी इस तरह की बात आती है क्या है, सेम लेंथ रखते हैं, यानी इनकी बॉन्ड लंबाई क्या होती है, सेम होती है।